यात्रा टीवी। बांदा जनपद के 6 नगर पंचायत व 2 नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के पक्ष पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। वहीं बसपा और सपा पर कड़ा प्रहार करते हुए इस बार के नगर निकाय निर्वाचन में भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से अपील भी किया। मामला बांदा शहर के GIC मैदान का है, जहां पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उसके पहले पंडित GN डिग्री कॉलेज ग्राउंड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद GIC मैदान पर पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कहा कि महाराणा प्रताप की पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं बुंदेलखंड के बांदा की बात करें तो 2017 से पहले क्या स्थिति थी, सब कुछ अच्छे से आप लोग जानते हैं। जब हम बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आए थे, एक विकास और दूसरा माफिया राज को बुंदेलखंड की दो बड़ी समस्याएं थी। बुंदेलखंड की जनप्रतिनिधि की सक्रियता से माफिया राज को समाप्त किया गया है। बुंदेलखंड उन्नति के पथ पर चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया, वहीं महिलाएं मटकी लेकर 2-2 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अब हर जल योजना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू हो रही है, तो बुंदेलखंड में अब पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं बांदा नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मालती वासु बगरू नगर पंचायत अध्यक्ष से विजय पाल सिंह सहित सभी नगर पंचायत के प्रत्याशियों के पक्ष पर वोट मांगा। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।